प्रधानमंत्री आवास योजना एक ऐसी दुखती रग है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की, जो जब जब इसकी बात उठती है तब तब छत्तीसगढ़ का सियासी माहौल गर्मा जाता है। नमस्कार और जय जौहार, मैं हूँ सुमी राजपन, आप सबका स्वागत करती हूँ छत्तीसगढ़ राउंडअप के स्पेशल एपिसोड में। और आज हम इसी बात का विश्लेषण करेंगे कि किस तरह जब भी आवास योजना की बात आती है, इस पूरी स्कीम की बात होती है, छत्तीसगढ़ में सियासत गर्मा जाता है। इस बार भी बिल्कुल वही हुआ। भूपेश बघेल ने जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा, उस पत्र के बाद लगातार सियासत यहां पर गर्मा गई है। बहुत आरोप प्रत्यारोप दोनों पार्टी की तरफ से शुरू हो गए और यह पत्र 30 जुलाई को लिखा गया था, जिसे पब्लिक कल भूपेश बघेल ने किया। और ट्वीट उन्होंने करते हुए यह कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाखों लोग ऐसे हैं जो हितग्राही हो सकते थे, जिन्हें मकान मिल सकता था सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम के तहत, लेकिन उन्हें मकान नहीं मिला। और कहीं ना कहीं ये जो खींचातानी हो रही है स्टेट और सेंटर के बीच, इसी की वजह से लाखों लोग इस पूरे स्कीम के फायदे से वंचित हैं। मैं आपको बता दूं, इस लेटर की कुछ ऐसे पोर्शंस हैं जो मुझे आपको बताना बहुत ज़रूरी है, और लेटर के कुछ एक्सर्प्ट्स हैं, उनमें ये लिखा हुआ है कि 8,19,000 कुछ ऐसे घर हैं जो अभी भी अलॉट करने बाकी हैं सेंटर गवर्नमेंट के द्वारा, एंड इनफैक्ट 18,00,000 बेनिफिशरीज जो हैं वो परमानेंट वेट लिस्ट में हैं। और ये वेट लिस्ट तैयार की गई थी सोशो इकोनॉमिक सेंसिस, कास्ट सेंसिस 2011 के तहत। इसके तहत अगर ये लिस्ट जो तैयार की गई थी इसमें देखा जाए तो 18,00,000 लोग इसके बेनिफिशरी होने चाहिए थे, जिसमें से सिर्फ 11,00,000 लोगों को अभी तक घर मिल पाया है, और वो घर का अलॉटमेंट भी 2016 से 2023 के बीच में हुआ। और जो कंस्ट्रक्शन है इन 11,00,000 घरों जो ऑलरेडी एलोकेट हो चुकी है, उन 11,00,000 घरों में कंस्ट्रक्शन अभी सिर्फ 73.5%, यानी कि 8,63,000 के घरों का ही अभी तक कंस्ट्रक्शन हो पाया है। और अभी कुछ ऐसे 6,99,000 ऐसे एलोकेशन हैं जो अभी भी नहीं हुए हैं, और इसके अतिरिक्त और 8,00,000 ऐसे घर हैं जिनको एलोकेट करना बाकी है 2021 से 2023 के बीच में। ये भूपेश बघेल की इस लेटर में लिखा हुआ है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि इस लेटर पे प्रतिक्रिया क्या होती है, प्रधानमंत्री इसका रिस्पांस किस तरह से देते हैं, लेकिन यह जानना जरूरी है कि किस तरह से सियासत गरमा रही है। आइए सुनते हैं इस पे कांग्रेस के धनंजय सिंह ठाकुर ने क्या कहा, उसके बाद हम आपको सुनाएंगे कि बीजेपी के सुशांत शुक्ला ने इस पर क्या बयान दिया। भाजपा बताए, जब 2011 के आर्थिक सर्वेक्षण सूची के अनुसार प्रदेश में 18,75,585 परिवार को आवास का लाभ मिलना था, ऐसे में रमन सिंह की सरकार ने मात्र 2,67,000 मकान की स्वीकृति और राज्यांश क्यों दिया था, शहरी क्षेत्रों में मात्र 19,000 मकान क्यों बनाए थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार बनने के बाद प्रदेश में 14,00,000 प्रधानमंत्री आवास शहरी और ग्रामीण स्वीकृत हुए हैं, 10,00,000 पूर्णता बनाकर आवास परिवार को सौंप दिया गया है, और 4,00,000 आवास प्रक्रियाधीन है, निर्माणाधीन है, और केंद्र सरकार के द्वारा राजनीतिक भेदभाव के चलते प्रदेश की सरकार की छवि धूमिल करने के लिए जो 8,25,000 मकानों को परिवार को आवंटित नहीं किया गया है, इसके लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखकर वो 8,25,000 मकान को आवंटित करने का आग्रह किए हैं, उसके लिए राज्यांश की व्यवस्था किए हैं। भाजपा के नेता बताएं, आखिर केंद्र सरकार ने उन 8,25,000 गरीबों को मकान की सुविधा से क्यों वंचित किया? भाजपा के 9 सांसदों ने उन गरीबों को मकान दिलाने के लिए क्या प्रयास किया है? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार बनने के बाद 14,00,000 परिवार को मकान मिला है, 14,00,000 परिवारों को मकान बनाने के लिए राज्य सरकार ने आर्थिक मदद की है। भाजपा के नेता सिर्फ छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से राजनीति करते हैं और वहीं केंद्र में जाकर छत्तीसगढ़ की जनता की आवाज नहीं उठाते हैं। भूपेश बघेल जी ने जो माननीय प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री आवास के मामले में पत्र लिखा है, वो छत्तीसगढ़ के गरीबों के जख्मों पर नमक है। भूपेश बघेल जी, कृपया अपने कुकृत्यों को ध्यान में रखते हुए अपने वर्तमान उप मुख्यमंत्री जी के पत्र का अवलोकन करें, जिसमें उन्होंने स्वयं स्वीकार किया कि छत्तीसगढ़ की जनता को हम प्रधानमंत्री आवास नहीं दे पा रहे हैं, परंतु जब वो अपने काम पर सही नहीं उतर पा रहे हैं तो वो आज वो राजनीति कर रहे हैं, दोषारोपण की व्यवस्था बना रहे हैं, क्योंकि चुनाव नजदीक है। छत्तीसगढ़ की जनता समझ चुकी है और आने वाले समय में छत्तीसगढ़ की जनता मुखर तौर पर कहने लगी है कि अंधेरे नगरी चौपट राजा,
दाऊ भूपेश बघेल और टीएस बाबा। जी बिल्कुल, हमने देखा दोनों पक्षों में किस तरह से एक दूसरे को ब्लेम गेम की एक शुरुआत होते हुए नजर आ रही है। दोनों पक्ष एक दूसरे को ही ब्लेम कर रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ये कहता है कि कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट मिस कर रहा है इस पूरे चीज में, स्टेट गवर्नमेंट बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए जो फंड्स सेंटर द्वारा रिलीज किए गए थे उसे भी वापस खींचा जा रहा है। और स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को ब्लेम करता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट फंड्स रिलीज नहीं कर रहा है, इसलिए लोग इस स्कीम के लाभ से वंचित हैं। एट द एंड ऑफ द डे बॉटम लाइन यही है कि लाखों लोग ऐसे हैं, गरीब लोग, जो इसका फायदा उठा सकते थे, लेकिन उनको ऐसे जो स्कीम है, इतने बढ़िया स्कीम का फायदा उठाने नहीं मिल रहा। और इसके रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं, अकाउंटेबिलिटी अगर देखी जाए तो दोनों को उठानी चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट। आज के लिए बस इतना ही, हमारे साथ बने रहिएगा। तब तक के लिए मैं सुमीरा जप्पन अपने वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे के साथ विदा लेती हूँ। हमारे साथ बने रहिएगा छत्तीसगढ़ तक पर।